हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। और फ्रेंड्स, नए साल में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल नया वीडियो, बिल्कुल हटकर। और ये वीडियो है जॉब से संबंधित, ये स्पेशल वीडियो है। और इसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के माध्यम से आई हुई वैकेंसी, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSSP के माध्यम से दो वैकेंसी के एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुए हैं। एक जो वैकेंसी है वो टीचर्स की है, PGT की है, और एक वैकेंसी है जो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वैकेंसीज हैं, ग्रुप CD B की हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं PGT की कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए, ओपनिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 जनवरी 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन ये चालू हो जाएंगे। अभी केवल एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, और ये आपको पूरा एक महीना मिलेगा समय अपना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए 13 फरवरी 2020 तक, यानी क्लोजिंग की जो डेट है वो 13 फरवरी 2020 की है। बात कर लेते हैं क्या क्या वैकेंसी हैं। तो ये जो बेसिकली वैकेंसी आई हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की हैं, और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो इनका शिक्षा विभाग है उसमें ये वैकेंसी आई हुई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। अब इसमें जो वैकेंसी है ये सब्जेक्ट वाइज है और कैटेगरी वाइज में मेल फीमेल की कैटेगरी इन्होंने बना रखी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी के हैं, इसमें बायोलॉजी के मेल के लिए भी वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री में भी मेल और फीमेल की वैकेंसी है। 4800 का ग्रेड पे है और ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद कॉमर्स है, कॉमर्स के बाद इंग्लिश है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, संस्कृत है, और जियोग्राफी में केवल मेल कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, 35 वैकेंसी आ रखी हैं। और इसके बाद पंजाबी है, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ये बिल्कुल हट के सब्जेक्ट है और ये अच्छी खासी वैकेंसी हैं, 198। तो अभी हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग इसको भर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग वैकेंसी है, ठीक है ना। तो इसी में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी हो रखी हैं। 118 फीमेल वैकेंसी हैं और 198 मेल कैटेगरी की वैकेंसी हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस वैकेंसी के लिए क्या आपके पास होना चाहिए। तो ज़्यादातर में जो एलिजिबिलिटी है, मास्टर डिग्री है उस कंसर्न सब्जेक्ट में, इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीरियल नंबर 2 एवं। चलिए मैं इसका मतलब बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी PG तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग या एजुकेशन का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या तो फिर आपने PhD कर रखा हो या फिर आपने BEd कर रखा हो, तो इस टाइप से इन्होंने कैटेगरी बना रखा है, आप इसको देखिएगा। जहाँ तक बात है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, वो कुछ भी नहीं है। SNTL में एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अनिवार्य नहीं है, डिज़ायरेबल है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है टीचिंग में किसी कॉलेज या हायर एजुकेशन स्कूल या हाई स्कूल में उसी कंसर्न सब्जेक्ट में। सैलरी की अगर बात करें तो 4800 का ग्रेड पे है, लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच आपकी सैलरी बनती है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। 36 ईयर की एज कहा है इन्होंने कि बिलो 36 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पर प्रोविज़न है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एजुकेशन के संबंध में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई ना तो आपसे CTET मांगा गया है, ना कोई स्टेट का TET मांगा गया है। सिंपल यहाँ पे आपका PG डिग्री होना चाहिए, अपना आपका जो सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट है, उसमें आपने मास्टर डिग्री कर रखा हो, प्लस आपके पास BEd हो या आप उससे हायर डिग्री रखते हो यानी कि PhD वगैरह अगर आपने कर रखा है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लगभग सभी सब्जेक्ट में इन्होंने लगभग इसी तरह से क्वालिफिकेशन बनाया हुआ है, आप इसको देखिएगा। मैं ये फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो नई वैकेंसी इन्होंने ऐड की हैं, जो थोड़ा सा अलग टाइप की वैकेंसी हैं, सब्जेक्ट से हट करके हैं, उसको देख लेते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट वही कंडीशन है, सभी में सामान्य ही रखा है इन्होंने। मास्टर डिग्री आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक अलग वैकेंसी आई है वो है काउंसलर की, और मेल फीमेल दोनों ही कैटेगरी में ये वैकेंसी है और अच्छी खासी संख्या में है, 100+ ईच कैटेगरी है। तो इसमें जो इन्होंने क्वालिफिकेशन की बात की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की है, उसमें जो इसेंटियल है वो है आपका साइकोलॉजी में आपकी PG है या मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका गाइडेंस और काउंसलिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। इसमें कोई डिज़ायरेबल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस में इन्होंने डिज़ायरेबल कहा है कि एक साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए गाइडेंस और काउंसलिंग का किसी भी सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में,
है ना। तो एक साल का आपका ये अनुभव होना चाहिए और फिर बाकी वही सब चीज़ें हैं, 4800 का ग्रेड पे है और ग्रुप बी ये वैकेंसी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने बात की DSSSB के माध्यम से आई हुई PGT की वैकेंसी के बारे में। अब एक और वैकेंसी इन्होंने एडवर्टाइज़ की है उसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या वैकेंसी हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई हैं 2020 में DSSSB ने अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो दूसरी वैकेंसी आई हैं इनकी जो ओपनिंग हो रही है 7 जनवरी से हो रही है और 6 फरवरी तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। क्या क्या वैकेंसी हैं आइए देख लेते हैं किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हैं। तो देखिए स्टोर कीपर की वैकेंसी आई है 2800 का ग्रेड पे है, जीबी पंत गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर दिल्ली जल बोर्ड में है ये, 4200 का ग्रेड पे है और टोटल 9 वैकेंसी हैं इसमें सेक्शन ऑफिसर की। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आ रखी है और 46 वैकेंसी आई हैं, ये भी दिल्ली का जो जल बोर्ड है उसमें ये वैकेंसी आई है। वेटनरी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है 2400 के ग्रेड पे है, 78 वैकेंसी आ रखी हैं। इन्वेस्टिगेटर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर 1900 के ग्रेड पे 15 वैकेंसी आ रखी हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 38 वैकेंसी आ रखी है, 2800 का ग्रेड पे है। इसी तरह से स्टेनोग्राफर हिंदी की भी वैकेंसी आ रखी है, ये केवल 6 ही है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आई है, 4200 का ग्रेड पे है और 23 वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। फार्मासिस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 4200 का ग्रेड पे और 15 वैकेंसी। इसी तरह से लीगल असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर जूनियर क्लर्क ड्राफ्ट्समैन ये सभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंतर्गत वैकेंसी हैं। हिंदी ट्रांसलेटर कम असिस्टेंट लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर अकाउंटेंट और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी ये सब वैकेंसीज़ हैं। तो मैं ये फ़ाइल आपको दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूं किस वैकेंसी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और क्या एज के बारे में क्या है। तो स्टोर कीपर की एक ही वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन्होंने मांगा है या फिर डिप्लोमा हो किसी भी फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस के साथ। तो चूँकि ये एक ही वैकेंसी है 2800 ग्रेड पे है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। नेक्स्ट सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर ये जो वैकेंसी आ रखी है ये टोटल 9 वैकेंसी हैं अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पे इन्होंने डिग्री मांगा है एग्रीकल्चर या फिर साइंस में डिग्री हो विथ बॉटनी एज ए सब्जेक्ट के रूप में। डिजायरेबल कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस में इन्होंने अनिवार्य बोला है कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर के फील्ड में। फिर पे स्केल 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप बी ये पोस्ट है, 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। तो ये वैकेंसी चलिए और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो अगली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की और 46 वैकेंसी है और इसमें डिग्री मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से। 4600 का ग्रेड पे ग्रुप बी वैकेंसी, बाकी कंडीशंस ऑलमोस्ट वही हैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ बार बार। फिर आप देख लीजिएगा वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी है 78 है। इसी तरह से इन्वेस्टिगेटर की भी वैकेंसी है, मैट्रिकुलेशन यह इक्विवेलेंट मांगा हुआ है, हिंदी का आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में आपने 1 साल का अनुभव होना चाहिए। 1900 का ग्रेड भी है और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, 27 साल इसमें आपकी एज अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो वैकेंसीज हैं उनके डिटेल मैं आपको PDF फाइल में दे रहा हूँ, आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट थी मैंने उसके बारे में बता दिया, बाकी सभी पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जो ज़्यादा वैकेंसी है वो जूनियर क्लर्क की है, ये है 254 वैकेंसी, इसका आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रेजुएट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10+2 या इक्विवेलेंट विथ ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे आपको इस स्पीड यानी कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपने सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12th कर रखा हो या उसके इक्विवेलेंट कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। एज की बात करें तो 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए, बाकी सरकार के द्वारा जो भी रिलैक्सेशन है एज पे वो एप्लीकेबल हैं। तो ये चूँकि बड़ी वैकेंसी थी इसलिए इसके बारे में मैंने आपको बताया, बाकी आप इसमें देख लीजिएगा। जैसे कि लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन है इसमें, सोशल साइंस के साथ या सोशोलॉजी आपने पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, ठीक है,
या फिर इसमें डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये वैकेंसी थी, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो भी वैकेंसी आई हुई हैं उनका डिटेल आपको मैंने दिया है, और ये दोनों ही एडवर्टीजमेंट के डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उस, और इसमें पूरा डिटेल है क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल इन फाइलों में मौजूद है, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से अप्लाई करिए, एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।